जीटीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि टेक वर्ल्ड की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं डीटीवी इंडियाज ओनली 360 डिग्री टेक न्यूज प्लेटफॉर्म। डीटीवी के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं कि इन्फिनिक्स ने अभी रिसेंटली में 08i स्मार्टफोन को इंडियन कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया था। आप सब भी इस फोन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। ये एक पावर पैक्ड फोन है एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग है इस फोन में, जिसकी वजह से इसको हम एक प्रीमियम कैटेगरी का फोन भी कह सकते हैं अगर इन्फिनिक्स के बाकी फोन से कंपेयर करें तो हमारा ये नया वीडियो आपको इन्फिनिक्स 08i के फोन की सारी डिटेल्स देने वाला है। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कर लेते हैं इन्फिनिक्स 08i की अनबॉक्सिंग एंड आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट लुक। सो वी हैव रिमूव्ड द प्लास्टिक फिल्म फ्रॉम द बॉक्स। तो अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है इस बॉक्स में। सबसे ऊपर तो फोन रखा हुआ है, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग एडेप्टर है 18 वॉट का, बट आपको 33 वॉट फास्ट चार्ज का सपोर्ट करता है ये फोन। टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है, साथ में कुछ स्टिकर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है इस बॉक्स में। सिम इजेक्टर टूल भी है इस बॉक्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट अ ट्रांसपेरेंट बैक कवर एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म। आप देखते हैं फोन को, ये है इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन। लेट्स रिमूव इट्स स्टिकर्स फर्स्ट। इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा है फ्रेंड्स, डायमंड ग्लास है रियर साइड में एंड मैट टेक्सचर में ये फोन आता है, जिससे इन हैंड फील और भी ज्यादा बेटर लगती है। रेनबो काइंड ऑफ कलर्स देखने को मिलता है फोन को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करें तो। ओवरऑल बहुत ही अच्छा डिजाइन और टेक्सचर यूज किया गया है इस फोन के बिल्ड क्वालिटी में। कैमरा का डिजाइन देखे तो ये भी डायमंड शेप में है, जिससे फोन की रियर साइड और भी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। वैसे तो ये फोन दो कलर्स में आता है, ब्लैक डायमंड एंड सिल्वर डायमंड, पर हमारे पास जो ये फोन आया है वो है सिल्वर डायमंड कलर का। इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड में पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स है। फिंगरप्रिंट इस फोन में आपको साइड माउंटेड मिलता है, जो की एक अच्छी चीज है। और सिम कार्ड ट्रे लेफ्ट साइड में है। ये 2+1 सिम कार्ड स्लॉट है, मतलब आप दो सिम कार्ड्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हैं। बॉटम में एक 3.5mm हेडफोन का जैक है, सिंगल स्पीकर है और टाइप सी यूएसबी पोर्ट है। ये तो हो गया इसका कनेक्टिविटी ऑप्शन। नाउ लेट्स स्विच ऑन द फोन। दोस्तों ये फोन अब ऑन हो चुका है और आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं, काफी बड़ी डिस्प्ले है ये। 6.85 इंच की ड्यूअल पिन होल डिस्प्ले इस फोन में मिलती है विद 90.1 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। रियली द स्क्रीन साइज इज ह्यूज और हाथ में पकड़ने के बाद काफी बड़ा लगता है ये फोन। इसके साइड बेजल्स मिनिमम रखी गई है एंड टॉप और बॉटम में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बेजल्स है। तो वीडियोस देखने में एंड गेम्स खेलने में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा इस फोन पर। डीटीएस साउंड सराउंड भी है इस फोन में दोस्तों, तो मतलब हर वो फीचर आपको इस फोन में मिल रहा है जो कि स्मार्टफोन बायर्स आजकल सर्च करते हैं। अगर इसके अदर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो इस फोन में अल्ट्रा पावरफुल मीडियाटेक हीलियो G90T64 bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है। इस पावरफुल मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है 8GB LPDDR4X RAM। इट्स गुड टू सी दैट सच ए पावरफुल रैम यू आर गेटिंग एट अंडर 15K प्राइस रेंज। अगर इस रैम का फोन आप दूसरे ब्रांड्स में सर्च करोगे तो आपको 20,000 से 25,000 के बीच में खर्च करना पड़ सकता है, बट इन्फिनिक्स जाना ही जाता है कम प्राइस में बेस्ट फीचर रिच स्मार्टफोन के लिए। इंटरनल स्टोरेज आपको 128GB की मिलती है, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड की हेल्प से 256GB तक एक्सटेंड कर पाएंगे। दिस स्मार्टफोन रन्स ऑन XOS 7, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। दोस्तों इस फोन में 4500mAh बैटरी मिल जाती है, जो कि ऑन एवरेज फुल डे बैकअप दे देती है बिकॉज ऑफ इट्स अल्ट्रा पावर मैराथन टेक्नोलॉजी विच इंक्रीजेज योर 25% बैटरी बैकअप। लेट्स चेक इट्स कैमरा नाउ। तो इन्फिनिक्स 08i में आपको मिलता है 48MP का AI क्वाड रियर कैमरा। कैमरा क्वालिटी अच्छी है और इसे आप स्लो मोशन एंड 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफी सारे मोड्स मिलते हैं इसमें फोटोग्राफी के लिए और जूम भी काफी अच्छा है इसका। ऑन द अदर हैंड यू आर गेटिंग 16MP प्लस 8MP का ड्यूअल फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी ठीक ठाक है और इसमें आपको वाइड एंगल शॉट भी मिलता है, ताकि आप ग्रुप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकें इस फ्रंट कैमरा से। ओवरऑल कैमरा सेटअप काफी अच्छा है इस फोन का, तो आपको एक डिटेलिंग पिक्चर क्वालिटी मिल सकती है इस फोन के कैमरे से। अगर मैं इसके प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आप 8GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला ये फोन 14,999 रुपए में खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और जहां तक बात है कलर ऑप्शन की, तो आपको ब्लैक डायमंड एंड सिल्वर डायमंड ऑप्शन मिल जाता है इस फोन में। प्राइस के मामले में फिलहाल मुझे जहां तक लगता है कि इसके फीचर्स ओवरऑल लुक्स को देखे तो प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई होता है।
बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस। फोन को यूज करके देखने पर ही इसकी एग्जैक्ट वर्थ पता चलेगी। उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसका 30 डेज का ऑनेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाले हैं। तो वो वीडियो जब हम लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस प्राइस पर ये फोन ठीक है या नहीं, बट उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी की सारी डिटेल्स तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.digitalterminal.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं टेक वर्ल्ड की हर न्यूज पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, जल्द आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।